क्या है तू, तो पागल है क्या तू? ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा? क्या कर रही है, क्या कर? हे वीडियो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ होस्ट रहा हूँ फिर से एक वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में प्रैंक होने वाला है, ये है विनोद अंकल। इनके साथ बहुत ज़्यादा सीन हो चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी में, जैसे कि आप मैं देख रहा हूँ वीडियो में। तो इनका मैसेज सुनी, इनके जानने वाले किसी का मैसेज आया था मेरे पास, तो फिर इनके इनसे बात हुई, तो मुझे तो सारी बात बता दी। अंकल, एक बार आप खुद बताओ क्या हुआ आपके साथ, आप अच्छे से बता दोगे। ऐसा है कि मेरा एक बेटा था, अच्छा, 2 साल पहले शादी की थी, अच्छा का परिवार चल रहा था, अच्छा, सब ठीक ठाक था, लेकिन 7 महीने हो गए मेरे बेटे की डेथ होने के। 7 महीने अभी, 7 महीने, 7 महीना अभी। तो उसके बाद मैं अपना दिन, मेरी परचून की दुकान है, अच्छा, परचून यहीं पे, परचून यहाँ है, अच्छा, पड़ोस में ही, अच्छा, तो वहाँ पड़ोस में ही है, दूर है, थोड़ा सा दूर ही है, अच्छा। तो वहाँ मैं अपना रोज की दिनचर्या के हिसाब से सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, शाम को आता, अच्छा, हाँ। तो लेकिन वो अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा। लेकिन एक दिन ऐसा इतफाक हुआ कि किसी ने मेरे को आके बताया कि आपके घर में जो है 3-4 लड़के रोज आते हैं, कहीं 3-4 लड़के रोज आपके घर में आते हैं, आप घर में रहता कौन है? आपकी मेरी बहू है, की है बहू, और और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, अच्छा। मैं ही अकेला, अच्छा। तो उसके बाद जो मेरे बहू, मतलब बहू के तो कई मायके वायके साथ हो, क्या पता, ये मेरे को नहीं मालूम है, मेरे नॉलेज में नहीं है कुछ भी, अच्छा, कि भाई कौन आता है कौन जाता है, अच्छा। क्योंकि मैं सुबह आ जाता हूँ और शाम को जो है 9-10 बजे घर जा पहुँचता हूँ, अच्छा। तो उस दौरान मेरे से कोई बातचीत भी नहीं होती है, ना ही मेरे को कुछ पता है। लेकिन मेरे इतफाक से मेरे किसी जानने वाले ने बताया, पड़ोस में से, अच्छा, वो आया था दुकान पे, तो उसने बताया कि आपके यहाँ जो है 3-4 लड़के रोज आते हैं, अच्छा, हाँ। तो मैं भाई आपके मैं मेरी नॉलेज में तो कुछ नहीं है, ना मेरे को पता है। तो मैं उस टाइम वो बात को आई गई सम कर दी, हाँ। लेकिन एक दिन फिर मेरे दिमाग में बात फिर ठन गई, हाँ। तो मैं फिर अचानक जो है एक दिन घर पहुँचा, अच्छा। घर पहुँचने के बाद देखता हूँ कि मेरी बहू के पास जो है 3-4 लड़के बैठे हुए हैं और वो नशा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बहू भी नशा कर रही थी? हाँ, मेरी बहू को भी गलत लत पड़ गई, अच्छा। फिर तो मेरे को ये अब पता लगा है, तो मैं वहाँ जाके उससे पूछा भाई ये क्या है, क्या कर रहे हो? तो वो पहले से उनके था कि वो मेरे को जो है ना डराने धमकाने लगे, मारने को दौड़े। अच्छा, आप मारा भी, मतलब क्या? हाँ, मेरे को मारा है। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के कहीं और दूसरी जगह चला गया, अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी आके मेरे को ये तंग करते हैं कि मारने की धमकी देते हैं मेरे, उनकी जो है। तो अभी वो क्या चाह रही है, मतलब पूजा से क्या चाह? ये चाहती है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम कर दे, तुम्हारे नाम कर दे वो। हाँ, बहू कहती है मेरे नाम कर दे, अच्छा। तो मैं उसके नाम कैसे कर दूँ, वो मेरे को मारने को दौड़ रहे हैं, मेरे को मारने की फिराक में आ गए, मैं कैसे कर दूँ? ये बात सही है, मेरा एक ही एक बेटा था, अब वो चला गया है। तो अब बहू देखी थी, बहू पे भी नहीं है विश्वास, वो भी ऐसे काम करने लग गई। तो हाँ, मैं अंकल सारी बात समझ, तो आप बताओ मैं कैसे करूँ? आप भी समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। तो इनका मैसेज नहीं आया था, ये जहाँ भागे थे ना वहाँ पे कोई लड़का था, वो बड़ी वीडियो देख रहा था, ठीक है। इन्होंने देख के और मुझसे उस लड़के को बताई सारी कहानी कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो यार ऐसा ऐसी बहू होती हैं यार, होती होंगी यार, पता नहीं यार, आज भी हुआ है। तो देखते हैं अंकल, एक काम करो, उसको कॉल लगाओ, उससे बोलो कि लाइव लोकेशन सेंड कर रहा हूँ मैं आपको व्हाट्सअप पे, है ना, और आप मतलब कि पार्क में बैठा हूँ मैं, तो यहाँ पे कागज़ वागज लेकर आया हूँ जमीन के, आप आके ले जाओ, ठीक है? ठीक है, उससे बोलो कि मैं रेडी हूँ, आपको जरूर बताऊँ। हाँ, उससे बोलो लाइव लोकेशन सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सअप पे, यहाँ बैठा हूँ पार्क में, ठीक है ना? स्पीकर खोल देना। हाँ, कॉल लग रही, कॉल कट रही, दुआ लगाओ, देखो क्यों रही। हाँ बहू, मैं बोल रहा हूँ, आप ससुर? हाँ बोल। मैं पेपर कागज सब लेके आया हुआ हूँ, यहाँ किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ, यहाँ की मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आ जाऊँ। तो नहीं बोल रहे ना? हाँ पक्का? हाँ पक्का है, क्या होगा? हाँ पक्का है, हाँ ठीक है। हाँ मैं कागज को लेके आया हुआ हूँ, लोकेशन लोकेशन सेंड कर दो आप ना।
तो गाइस लोकेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं घर से कितनी देर लगेगा आने में, क्योंकि भाई मैं तो अपनी लोकेशन पे रहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं, बाहर अंकल को यहाँ बुलाया था। देखते हैं, वेट कर लेते हैं उसका, ठीक है ना। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, बढ़िया चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर दो। हाँ, तुम्हारा भाई 3 लाख होने वाला है, जल्दी फटाफट 3 लाख करवा दो सब्सक्राइबर, ठीक है। कुछ सरप्राइज आने वाला है, नया आने वाला है कुछ। आ गई, हाँ आ गई, हाँ बोल बेटा। मैं कागज लेके आया हूँ, कागज लेके आया हुआ हूँ। कहाँ है कागज? दे निकाल कागज, अभी दूंगा ना, पहले मैं बात तो करूँ। क्या बात करूँ अब? किस लिए करने हैं कागज? क्या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं अब तेरे को अपनी बेटी की तरह माना आएगा? अच्छा, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो क्यों? माना ही तो क्या हो गया, फिर मैं क्या करूँ उसमें? तो मेरे मारने को क्यों लाती है लड़कों को? तो क्या करूँ, समझ में बहु है ना, तू मेरी बहु की तरह रहे ना, समझ में आते तेरे? क्या पहले इतने अच्छे से रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को? अब मुझे कुछ भी हुआ है, तुझे जो बोला है वो कर, ठीक है? फालतू बकवास कर, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मरने तू जा, बुड्ढे, तेरा बेटा मर गया, तू भी मर जाके यहाँ से। मैं किसके पास रहूंगा? तो मेरी बहू के है ना, मैं लड़के की बहू। अरे कागज है ना, मैं कहाँ है? तो पहले पता तो लगे ना मेरे को, मेरा क्या होगा? मैं क्या कहाँ जाऊँगा, किसके सहारे रहूंगा? कुछ भी कर बुड्ढे, तू दिमाग खराब मत कर मेरा, ठीक है ना? मैं तो पहले ही इतना परेशान है, मैं पहले इतना परेशान है, पहले इतना परेशान हो रखा हूँ और परेशान कर रखा है मेरे को। मैं क्या करूँ, मर जा जाके? पहले मेरा बेटा मर गया, मैं अब किसके सहारे रहूंगा? क्या करूँ फिर, किसी के सहारे भी रहे तू मर जा, मैं किसके सहारे रहूंगा? ये आश्रम चल जा, मेरा एक ही बेटा था। तो मैं क्या करूँ, मैंने मारा है क्या उसे? मैंने मारा है तो अब मैं मुझे क्या पता है फिर? तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा? अरे मुझे क्या पता, मेरा कोई अभी पता है मैं कितने से जीऊंगा? अपने से मतलब है मुझे, ठीक है? अब चल बहुत हो गया, निकल। है ना मेरे पास? कहाँ है तो निकाल ना। तो निकालता हूँ ना मैं, पहले मेरा भी तो कुछ हो ना। क्या मैं किसके सहारे रहूंगा ये बताओ? मेरा किसके सहारे रहेगा तुम्हें? तो मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों बढ़ता हो गया। किसी के सहारे रहे, दिमाग मत खराब कर, बुढ़ा बहुत हो रहा है तेरा। पहले भी आराम कर दिया, फिर अब फिर वही हरकत। हाँ तो डॉक्यूमेंट अच्छा लगता, मैं तेरे को अपनी बेटी की तरह माना है। तो सोच मेरा, मुझे किसी के बारे में सोच रहे, मुझे अपने बारे में सोचना है बस, ठीक है? निकाल चल। क्या तू गलत लाइन में तू डल गई है? गई है तो क्या, मेरा लड़का चला गया तो क्या उसके पास है? मेरी लाइफ है, मैं किसी तरीके से जीऊं? ऐसी कैसी लाइफ है? गई है ऐसी कैसी लाइफ? क्या मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं किसी तरीके से जीऊं, किसी के साथ घूमूं, किसी के घर जाऊं, या फिर किसी को घर पे बुलाऊं? मेरे बस की नहीं है, ठीक है? मेरे बस की नहीं है सब। घर में जो है नशा करने लग गई है सब कुछ, क्या करूँ फिर? पहले तो ऐसा नहीं था, सबसे अलग मैं ही कर रही हूँ। तो पहले तो ऐसा नहीं था, तेरे को मैं अब क्या हुआ? क्या किस लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे, ये बता पहले तो। तुम पेपर के लिए बुलाया था? लेकिन मैं निकाल ना। तो मेरा भी तो कुछ सोचना, दिमाग खराब हो गया, पागल है क्या तू? ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रही है? निकाल दे वरना बता रही हूँ। पहले तो ऐसा नहीं थी, अभी यहाँ पे खड़े खड़े ऐसा क्यों, क्या हुआ मेरे से? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है ये बता। मैं क्या कह रही हूँ, पार्क में बैठे आराम से बात करना, मुंह से बात कर, बहुत आराम, मुंह से हाथ बात, मुंह से हाथ बात, मुंह से बात कर, मुंह से ही बात कर, मेरी कॉलर छोड़ ना, मैं कॉलर छोड़, जल्दी निकाल। मैं ना बहुत देर से समझा लिया, ठीक है? समझा, मैं किस लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? पेपर के लिए बुलाया, लेकिन आराम से ना पेपर। पहले भी मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मेरे को पिटवाया, मेरे को मरवाया, मेरे घर से बेघर कर दिया। मैं दो पैसे कमाने के लायक भी नहीं रहा हूँ अब। पब्लिक आराम से बैठ के बात करते हैं, बेटी है मेरी, तुम यहाँ बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं आराम से, बैठ के बात करते हैं ना। मैं बता तो रहा हूँ ना, क्या है पहले भी मारा, अभी फिर मारने के लिए हो रही है, आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं पहले दो पैसे अच्छा कमा रहा था, उससे भी गया, मेरा ऐसा हाल कर दिया है। तेरी पापा सुनने नहीं आई मैं यहाँ पे, ठीक है? कागज निकाल अभी। अभी निकालता हूँ, कागज तो है ना, कागज तो दे रहा हूँ मैं। पागल क्यों बना? मैं पागल नहीं, मैं पब्लिक पब्लिक प्लेस है, आराम से बैठ के बात कर, मेरे को पहले ही इतना परेशान कर रखा है, अब और परेशान कर रही हूँ। ड्रामा कर दूंगी अभी यहाँ पे, रेप केस लगा दूंगी तेरे सब में, तेरे जूते बजेंगे तेरे, मैं बता रही हूँ। करूँ क्या मैं? नहीं, मैं ऐसा क्या किया मैंने? मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? प्रॉपर्टी के कागज निकाल फिर इसी बात पे। तो मेरा भी तो कुछ हो ना, सारी प्रॉपर्टी अब तो है, मैं भी मेरा भी तो कुछ हो ना, ठीक ठाक चले जाए यहाँ से, या फिर बुलाऊं किसी को? बुलाऊं नहीं, क्यों बुलाऊं? क्या पहले मेरे को ऐसा कर दिया, मेरा हाल बेहाल हो रखा है, और अब फिर वही हाल हो गया तेरा ड्रामा। अब चल ये फिर आराम से बैठ के बात कर लेते हैं ना, बता रही हूं मैं।
आपस में घर का फोन है ना, घर बैठ के बात, यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। अभी ड्रामा करती हूँ अभी थोड़ा सा। मैं क्या, मैं पहले इतना परेशान है ड्रामा की क्या बात, मैं पहले घर से मैं घर बेघर कर रखा है। बुला लूं अभी सबको यहाँ पे, वहाँ पे कौन सी कसर छोड़ी थी आप? अब फिर वही आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आराम से नहीं करनी है मुझे, आराम से नहीं करनी है। आराम से बेटा, मैं बेटी बेटी मानता हूँ ना, आराम से बैठ के बात करेंगे। तो करना मेरे नाम करना है, ऐसे जबरदस्ती बदतमीजी क्यों? अब मैं प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर दूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा? क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? मेरे बेटे का दोस्त है, क्या कर रही है? है, ये मेरे बेटे का दोस्त है, अपनी मदद के लिए बुलाया है। बीच में हट, छोड़, मेरे घर का मामला है, ठीक है ना? कौन सा घर का मामला है? मेरे घर का मामला, छोड़ दे, हट जा। तू दिख रहा है उनको मार रहा है, कौन है पीछे बोलने वाला? मैं अभी यही लात मारूंगा पीछे ही, हट जा दूर, दूर होके बात कर मेरे से, ठीक है? छोड़, हाथ से लगाया तूने? मेरा हाथ, हाथ से लगाया तूने? मेरी मर्जी है, तेरी चलेगी मर्जी? हाँ मेरी चलेगी। लगाइए हाथ, इतना परेशान करती है मेरे को, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, मेरे सब कुछ मारती है। तो अब लगा हाथ, तू जा ना, तू होता है पीछे बोलने वाला, अब लगाना हाथ। ये भी मेरा बेटा ही है, ये भी मेरा बेटा ही है। चांदी कौन है, कौन है तू बता, अंकल कौन है? ये मेरे बेटे का दोस्त है, बेटा पैदा हो गया मेरा बेटा ही। तमीज से बात कर, तमीज में दूर से बात, तमीज से बात कर, बात कर, ठीक है ना? बहुत हो गया, सिखाओ तू तमीज, तू तमीज है, तू तमीज है, ये तमीज है या नहीं? तमीज है तुझे, तमीज है तुझे? मैं क्या कह रही हूँ, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, पीछे हो जा। क्या कर लेगी? पीछे हो जा, बताऊंगी क्या कर लूंगी, सोच भी नहीं सकता। क्या कर रही बता, पीछे हो जा, निकल। दीदी हैं, तू होता कौन है यहाँ पे, तू क्या समझ रहा है? ऐसे मेरे को ऐसे करती है मेरे को भी, गली गली में, गली मोहल्ले में मेरे बेटे का दोस्त है, बेटा ही है ये, मेरे बेटे जैसा ही है। कहां कहां से बेटा पकड़ के लिए आए फालतू, इतना बुरा कर रखा है मेरे लड़कों को, बुलवाती है मेरे को, पिटवाती है, की है जबरदस्ती कर रही है मेरे से, जबरदस्ती तुम्हारे सामने ये हाल कर रही है, फिर कहती है अभी मेरे सामने हाथ लगा रही है, अभी मेरे सामने आ रही है, नहीं आ रही शर्म, क्या कर लेगी तू? तुम्हारे सामने देखो, तुम्हारे ऐसे हाल कर रही है बाद में, आप बोल ये कैमरा हटो, आप बोलना कैसे बोल रही थी मेरे को, इतनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, क्या रही? कैमरा क्यों लगाया है? कैमरा क्यों लगवाया? अब तू देख क्या होगा, कैमरा बंद कर, अब देख मैं बुलाता हूं पुलिस वालों को, तू फसा दी ना, अब देख तेरे साथ क्या होता है। यार ये कैमरा हटवाओ, अब रुक जा, मैं लगाता हूं पुलिस वालों को फोन, फोन मत करो यार प्लीज, क्यों क्यों नहीं करूं, मत करो, क्यों नहीं करूं, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ाएगा, पाया तूने उनको बहुत घर पे, अच्छा लगा ये, कॉल मत करना, अभी उनकी पूरी इज्जत इज्जत बर्बाद कर दी पूरी है, बेटी की तरह माना था, और तूने ये ऐसी इज्जत मेरी उछाल दी, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे, दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, देखा मैं क्या कर सकता हूँ, माफी मांग, उन्हीं को बोलो जो कहना उन्होंने करना है, आप पापा की याद आ गई, आप पापा आ गए, तब तो बड़ी बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ, पापा पापा क्या ब्लैकमेल करती है मेरे को, अब तो नहीं होगा, अब उनको बोलो ना, नहीं करूंगी, अब थाने ले जाना उनको, बोलो बोलो क्या करें, सॉरी मांगो, पैर पकड़ो, हैं पैर पकड़ के, सॉरी बोल, पैर पकड़, अब पापा क्या करें, ठीक है सॉरी, अब तो नहीं होगा, मैं फिर ब्लैकमेल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, देख आज के बाद जो तेरे दोस्त आ रहे हैं वो घर पे नहीं आने चाहिए, सुन रही है? ठीक है, हैं तो अंकल आज के बाद तुम्हें परेशान करे ये कुछ भी करे तो मेरे पास एक मिनट बैठ जाओ, आपके पास नंबर है मेरा, ठीक है आप बता देना मेरे सीधा, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है ना, आप मेरे पास आप मुझे बता देना, कुछ भी परेशान करे, कुछ भी दोस्तों को बुलाए घर पे, कुछ भी करे, ठीक है आज के बाद आप इसको अपने साथ दुकान पर बिठाओ, ठीक है, ठीक है ना, यही सही रहेगा, दुकान पर रहेगी 24 घंटे आपके सामने, क्योंकि आप बेटी मानते हो उसको, ठीक है ना, और क्या आपको क्या क्या करना है बताओ, आपको शादी करनी है दूसरी, यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो बेटी मान माना है कि भाई बुढ़ापे का सहारा है मेरा, शादी करनी तो आप बता दो,
एंगल करवा देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। मेरे परिवार में और है नहीं कोई, बेटा था बेटा भी चला गया, अब बहू रह गई थी, उसी को बेटी माना था मैंने, इसी के सहारे मैं जी रहूंगा। देखो इनका भी कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, ठीक है ना, और तुम्हारा भी कोई नहीं इनके सिवा, ठीक है, तो यार साथ में रहो, सही से रहो, ठीक है, इतना चार पांच दिन कुछ खाया नहीं है, भूखे प्यासे घूम रहे हैं और लाचार हो गया, ठीक है, तुम नशा कर रही हो, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, चले गए तो उसके बाद क्या मतलब की लाइफ, दोस्त यार बना लिए, फिर दारू वारू पी नशा कर रहे हो, उससे मतलब क्या होता है उस चीज़ से यार, हट के रहो यार, कुछ सुधर के रहो, ठीक है ना। सुबह मैं अपने काम दुकान पर चला जाता हूँ, रात को आता हूँ 9-10 बजे यार, ये और कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, रात सुबह जाएंगे और रात में 9 बजे आ रहे, क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे पेट भरे उससे यार, जब भी तो आ रहे हैं, नहीं तो एक घंटा दुकान में बैठेंगे, इतनी कमाई जाएगी 100 रुपये की, घर पे जाके फिर न खा लेंगे खाना, इतनी कमाई तो उनकी हो जाएगी ना, पूरे दिन क्यों बैठते हैं, सारा कुछ इसी का ही है मेरे पास, और किसका है, क्या बताओ, इनके तुम्हारे इनके पास तुम्हारा ही सब कुछ है यार, इतना तुम इतना तुम्हें मानते हैं, सब कुछ करते हैं यार, बेटी मानते हैं, आशीर्वाद कौन मानता है, लड़का सब कुछ इसी का ही है, घर में जाओ, आज भी इसका है, कल भी इसका है, और किसका है, ये बता दो यार, दोस्त यार जो तुमने बनाया ना वो तुमसे छीन लेंगे जब जमीन दे देंगे, तो ऐसा मत करना, इसके बाद खुश रहो यार। तो गाइस यार देखा आपने, ठीक है, तो अब क्या करना है, तो आप सब कुछ तो नहीं करोगे ना, ब्लैकमेल कुछ भी, ऐसा काम करो आप और आप चले जाओ, ठीक है ना, आज प्लीज़ यार मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, परेशान मत करना इनको, या फायदा फिर ऐसा करना पड़ेगा, मेरे पास वीडियो है और मैं कुछ ना कुछ सीन कर दूँगा आगे, कुछ भी मेरे सुनने में आया, ठीक है ना, अच्छे से रहो, अच्छी लाइफ जियो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, माना है बेटी की तरह आराम से खुश रहे, करवा देंगे शादी, कोई दिक्कत नहीं, अंकल ठीक है, ठीक है, आप माइक दे दो मुझे, आप चले जाओ, ठीक है, माइक भी लगावा था उनके पास, ठीक ठीक है, आप चले जाओ, कुछ भी परेशान करेगा मुझे बता देना, ठीक है ना, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी यार, तो बस इतना समझा के मैंने इनको भेज दिया ना, और आप बताना क्या कि सही किया है, नहीं किया मैंने, गलत किया, क्योंकि यार बहुत कमेंट आते हैं कि भाई को सुना समझा करो, लाखों समझा करो, समझा के मान जाए, तो मैंने समझाया, लड़की मान गई, बहुत सी वीडियो में लड़की नहीं मानती, बहुत सारे सीन हो जाते हमारे साथ, ठीक है, तो आपको क्या करना, वीडियो लाइक करना है और शायद सब्सक्राइब करना, 3 लाख फटाफट नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ नया आने वाला है, अटूट जाने वाला है, ठीक है, तो इंस्टा आईडी यहाँ पे आ रही, फॉलो कर लो भाई को, और बस वीडियो शेयर करते हैं, चलो सब्सक्राइब करना, बाय बाय, टाटा लव यू।